सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं को जो है इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम सभी जो है हिंदू समाज के लोग जो है कश्मीर फाइल्स, जो कश्मीर की एक सच्चाई थी जिसको इतने ज़्यादा दिनों से धुर वामपंथियों और जिहादी तत्वों के द्वारा और कुछ बुद्धिजीवियों को द्वारा दबाया गया था, आज जो है एक कश्मीर फाइल के माध्यम से हिंदू समाज के सामने और संपूर्ण देश के सामने वह सच्चाई उजागर हो रही है। यह जो है एक फिल्म नहीं है, यह कश्मीर की सच्चाई है। इसको देख करके जब हम लोग यहाँ बाहर निकल रहे हैं तो मैं अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति आपसे पूरी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। हकीकत यह है कि हम यह एक फिल्म नहीं देखने गए थे, यह हमारे कश्मीरी भाइयों पर जो बीती थी, जो उन्होंने सहा था, उसका एक ट्रायल देखने गए थे कि अगर हिंदू समाज भविष्य में जन जागरण नहीं आया, हिंदू समाज जागृत नहीं हुआ, तो फिर भविष्य में उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। इसलिए हम जो है संपूर्ण राष्ट्र से और हिंदू समाज के लोगों से यह आग्रह करेंगे कि यह कश्मीर की सच्चाई को जानें और वह जानें कि कैसे इस भारत की धरती पर 1400 सालों से जो जिहाद चल रहा है वो अभी बंद नहीं हुआ है, वो अनवरत जारी है। और सबसे पहले तो मैं जन जागरण से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो आएँ और इसको फिल्म देख कर ना आए, फिल्म देखने की नीयत से ना आए, क्योंकि हमारे अंदर जो भावनाएं थी उस सारी भावनाओं को इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। अभी तक जो भी सच्चाई हम समाज से, हिंदू समाज से छुपाई गई है, वो सारा का सारा इस माध्यम से जनता के सामने रखा गया है, जनता देखे और भावनाओं को समझे और कश्मीरी ब्राह्मणों के हित में जो भी अपील करनी है सरकार से भी वो कर सकती है। विश्वास नहीं होगा आपको, आज हम लोग देख के निकले हैं इसको द कश्मीरी फाइल को, तो पूरा का पूरा हाउसफुल था और बहुत से लोग तो ऐसे थे जो नीचे बैठ के इस पिक्चर को देखे। तो ये एक भावना है और हिंदू समाज की भावना।